हंसी मजाक बहुत जरूरी होता है और जरा मुस्कुराहटे हम बिखेरना चाहते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, तो मेरे ख्याल में ऐसे नहीं चलेगा, उनके बगैर नहीं चलेगा। जी शकील सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। शुक्रिया। सभी कैसी हैं? और सबसे पहले तो आप तमाम हाजरीन को शकील सर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मिलकर जरा जवाब देने में मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अब एक मरतबा भरपूर तालियां बजा के अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाइए मिलके। यार ऐसे नहीं, सबको अपनी माँ की कसम तालियां बजाओ। इमरान भाई, अमजद राणा साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अमजद राणा साहब आपकी तालियों में आज क्यों मिला अमजद राणा। पाकिस्तान से बहुत सारे फनकार इंडिया गए, लेकिन इंडिया वालों को इस फनकार ने जाके बताया कि मैं हूं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान का लाडला, आपका प्यारा, हम सबके भाई तशरीफ लाएंगे आपके तालियों में शकील सिद्दीकी। जी सब सलाम अलैकुम। एक ही मुसलमान मिला मुझे, वो भी ठंडी आए भर के कह रहा वालेकुम सलाम, उसको किसी ने ज़बरदस्ती बैठाया हुआ है मेरे ख्याल में। चलिए मैं चाहूँगा अमजद राणा साहब से, अमजद राणा मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ब्राइट करम स्टेज पे आ जाए। हम जब कुछ कॉमेडी तो नहीं कर रही ना? हाँ हाँ, क्या करनी है? एक लाइन बोल दी। एक लाइन तो बोले, वो बैठे हुए। हाँ हाँ, ये रोजगार भी है सवाब भी है। बेचारे उजड़े हुए बैठे होते हैं अजीब हालत में, देख ले आप। शादीशुदा अलग पहचान में आएगा, अजीब उदास चौकन्ना बैठा होता है। किसी ने कुछ किया? हाँ, क्या हुआ भाई? तो शादीशुदा के लिए करना चाहूँगा बात कि मेरे एक दोस्त है साइंटिस्ट, साइंसदान वो मेरे पास आया, कह रहा मैं ना शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों कर रहे हो? कह रहा औरत को समझना है। अच्छा, मैंने कहा कर ले भाई। कर ली उसने। फिर मिला एक महीने बाद, मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? कह रहा कर ली शादी। मैंने कहा समझ गया औरत को? कहता भाड़ में गई औरत, मैं तो उस दिन से अपनी साइंस ढूंढ रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। साइंस ही भूल गया? साइंस भूल गया भाई। 5 साल बाद मिला, मैंने कहा हाँ भाई क्या? हाँ, बोले कत्ते के कारखाने में काम कर रहा हूँ। मैंने कहा कुछ याद किया? बोला हाँ, 1.5 साल का, 1.5 साल का, वही लेके घूम रहा हूँ। तो शादीशुदा जो होता है ना लोग, शादी करनी चाहिए। अच्छा, तू तो खुल के कर रहा है। मेरे को तो आदत तो हर जगह अपने ही घर जाता है। इसने तो दुनिया में औरत खत्म करने उतरा है आदमी। शादी इसलिए करनी चाहिए हम जब जहन्नुम में जाओ तो जगह नई ना लगे, लगे अपने ही घर आए हैं यार, कोई टेंशन ही ना रहे। मैयत में रोने का स्टाइल अलग होता है। पढ़ी लिखी? हाँ, मैयत पढ़ी है। हाँ, कैसे? लड़की खड़ी है, साड़ी पहनी, उछेल की जूती, बाल खुले हुए। मैयत कहता है मुझे पड़ा रहने दो, उसको खड़ा रहने दो। स्टाइल से रोती है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वेयर आर यू गोइंग। उससे पूछ रही है, उसको पता लग जाए कहाँ ले जा रहा, उठ के भागना जाए। सही बात। तुम्हारी औरतें? मैं भी साथ जाऊंगी, मैं भी साथ जाऊंगी। वो लगता बस करा के पिकनिक पे जा रहा है। जब ये कैंडल डांस करता था माशाल्लाह से पाकिस्तान में, इसके अलावा कोई नहीं करता था, ये इसी की ईजाद है माशाल्लाह से। और अब भी दुनिया में कैंडल लेके फिर रहा होता है, मोमबत्तियां हर जगह जाकर सालगिरह मना रहा होता है। ऐसे चला के काम करता है, बुझाता हैप्पी बर्थडे टू मी। तो माशाल्लाह से ये डांस, हम ये दो काम करता था, एक सर हिलाता था। कैसे हिलाता था सर? बाल हिलाता था, देखिएगा। नहीं, एक चलते में जाओगे, कैसे चलते थे? म्यूजिक को खोल के सोता भी है ये सर। तो ये हम करने जाए ना 17 साल लग जाए, नहीं हिलेगा। तू भवे नहीं हिला सकता। भवे कौन है? दोनों क्यों? एक हिला, मर्द का बच्चा एक हिला। अर्शद तुम्हारे चैनल पे है ये?
फौरन निकाल दो, इससे भवें नहीं हिल रही है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया शकील भाई, आपका अवार्ड है, स्पेशल अवार्ड है, स्पेशल अवार्ड है, और ये और बड़ा जबरदस्त, और ये हम अपने दोस्त के हाथ दिलवाएंगे जो जी हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के चेयरमैन, जामे अलायंस मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब शेख मोहम्मद शाह साहब से गुजारिश करूंगा सर आज इस कंपनी से। मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, आज आपकी ड्रेसिंग देखकर मुझे जो जैतिंदर इंडियन ने याद आ गया, वो अक्सर जो है इस तरह खूबसूरत ड्रेस पहनते थे वो माशाल्लाह से। शकील भाई शेख इरशाद साहब पाकिस्तान में एक कॉमेडी शहजादा हमारे साथ, आपने बेशुमार जैसे कल्लू मल्लू सल्लू सीआईडी में देखा आपने, इस तरह बेशुमार फंक्शंस में उमर शीर साहब के साथ बेतहाशा ड्रामे में आपने देखा, मुझे पता है यहाँ पर आके महफिल को गुलो गुलजार बना देगा, आपकी ताली बंद शुभ लाएंगे मिस्टर परवेज सिद्दीकी, तालियां बहुत शुक्रिया। सब यहाँ मौजूद हैं तो जोरदार तालियां तमाम हसीन मेहमानों के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारा मुल्क बड़ा जबरदस्त, उसमें रहने वाले तमाम लोग बहुत अच्छे, और हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है जिनके बारे में मैं कहूँ अल्लाह ताला उनको खरीके रहमत करें, उनके लिए दुआ भी करें, उनके लिए तालियां। जो सबसे पहले आप जुनेद जमशेद के लिए तालियां बजाएं जोरदार, उनके लिए अमजद सावरी साहब के लिए जोरदार तालियां, नुसरत फतेह अली साहब के लिए जोरदार तालियां, मेहदी हसन साहब के लिए जोरदार तालियां, और एक शख्स जो जिंदा है अताउल्लाह इसा खैलवी, उसके लिए तालियां। उनका गाने का स्टाइल ही अलग है, जब भी गाया बाजा पीछे मुंह आगे, किसी ने पूछा बाजा पीछे क्यों, बाजा चोरी का है, वो अपने अंदाज से गाते, उनके गायकी का अंदाज ही अलग, अपना स्टाइल। कैसी गलती शबाब कर बैठा, वो तबले वाला खड़ा हो गया, तू क्या कर बैठा, यहां तक छीटे आई है, वो अपने अंदर उनके गायकी का अंदाज ही अलग। दिल लगाया था वो दिल्ली चली गई, प्यार जिसे किया चली गई, दिल लगाया था। मेहदी हसन साहब जब भी गाया मेहनत से गाया, अपनी शक्ल बिगाड़ ली, गजल नहीं बिगड़ गई, उनका स्टाइल अलग था। रफ्तार रफ्तार मेरी हस्ती का समा हो गए, रफ्तार रफ्तार मेहदी हसन साहब गजल गा रहे थे, एक बच्चा आ गया, उनको क्या पता वही क्या गाते हैं, आके फरमाइश कर अंकल पापी झूलो, अब कहा मेहदी साहब कहा पापी चूलो, दो अलग चीजें, क्योंकि बच्चे का दिल भी रखना अपनी इज्जत भी रखनी, पहले गजल उसी में पापी चूलो। रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का समा हो, अंकल पापी चूलो, पापी 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 चूलो चूलो हो गए, पहले ची फिर चू इंडियन गानों की बड़ी बेइज्जती की, उन्होंने नहीं चलाया, लेकिन ये पाकिस्तान में खड़े होकर बता सकता हूँ कि इंडियन गाने कितने बेहुदा होते हैं, 8-10 गाने तो खड़े खड़े गिनवा दूंगा, और बच्चे और शरारती हो गए। अभी परसों की बात है, मैं शादी हॉल में गया, मैं जैसे ही बाथरूम में जाने लगा बच्चा कुंडी लगा के बैठा, मैंने कहा बेटा जल्दी निकल मुझे भी जाना है, वो अंदर से कह रहा अंकल अभी कहाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मैंने कहा बहुत अच्छे तेरे चक्कर में मेरी पार्टी निकल जाए, किस किस्म के गाने, एक गाना आपने सुना गाना समझ में नहीं आता, कैंदी पों पों, अब ईमानदारी से बताओ ये मुँह से गाने का है, ये गाना और है, होले होले से हवा लगती है, होले होले से हवा लगती है, होले होले से, और धोती पहन के छत पे बैठेगा हवा तो लगेगी, ये गाना और है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, शादीशुदा है, दो बच्चों की माँ है, ये गाने में खुले आम ऑफर, मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे, पूरा मोहल्ला बुरुश ले गया, ओ बिस्मिल्लाह,
वो बाद में बताया भैया गाना तो कोई ऐसी एक गाना और है हो तेरे रसीले तेरे इतने रसीले जूस की दुकान खोल ले एक गाना और है कांटा लगा हाय लगा मैं उस औरत को ढूंढ रहा हूँ जिसके पैर में कांटा लगा चुभन का महसूस कर मैनुफैक्चर फॉल्ट खवातीन हर दौर में गाती जब वो छोटी होती क्या गाती थोड़ी सी बड़ी होती क्या गाती थोड़ी और बड़ी होती क्या गाती शादी होती क्या गाती है चार बच्चे होते क्या गाती फिर 80 साल की होती फिर क्या गाती जब छोटी होती गाना गाती है लकड़ी की कांटी कांटी पे घोड़ा घोड़े के दुपट्टे जो मारा दौड़ घोड़ा दौड़ा थोड़ी सी बड़ी गाना चेंज 16 बरस की बाली उम्र को सलाम थोड़ी और बड़ी बाहों में चले हमसे सनम थोड़ी और बड़ी शीला शीला की जवानी मर गई तेरी नानी गाना जब थोड़ी और बड़ी गाना अजीब शादियों के गाना अजीब हो गया मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए चार बच्चे गाना चेंज जा रे जाओ हर जाई देखी तेरी दिलदारी दिल देकर मैं कर 80 साल की हो गई पेट में आदमी मुंह में दांत नहीं गाना बिल्कुल ही फौत मेरी कचती पार लगा दे मां मेरी कचती साउंड इफेक्ट भी डालती आप ये बताओ मर्द मजलूम है औरत आज क्या मर्द छुट्टी पे है क्या मर्द मजलूम है औरत जीते रहो मर्द मजलूम है मैं एक्सप्लेन करूंगा मर्द गंजा है औरत गंजी देखी इस फंक्शन में कोई 78 गंजे फिर गंजी एक नहीं है मार गर्दन काट के औरतों के पैरों में रखते फिर भी कह रही थी सही नहीं कटी वहां से तो कटी नहीं जहां से मरते हैं अब बताओ कहां तक सोचा हुआ भाई मर्द होता है नेचुरल ब्यूटी देखे कैसे बैठे हुए कोई मेकअप का खर्चा ही नहीं है 17 रुपए का रेजर लेता 18 दिन चलाता पहला शेव करता पड़ोसी भी कह रहा था पप्पू लग रहा है और ये औरतें 300 के मुंह पे 18,000 का खर्चा 18,000 खर्च करके मासी से पूछ रही थी कैसी लग रही हो तो भाई मासी तो अच्छी लग रही होगी आप यकीन करो नेचुरल मर्दों को सेल्फी लेते हुए देखा है नेचुरल ये उठाया क्रिच खत्म और ये औरतें 3 मिनट तो मुंह बनाने में लगाती क्रिच अबे मुंह की पोजीशन ली गुद्दी की खींच ली ये समझ में नहीं आया क्योंकि खवातीन जिसकी शादियां नहीं हुई बेटा करना भी नहीं ये औरतें दोपहर को अच्छी लगती हल्का हल्का धूप थोड़ा थोड़ा सा मेकअप और जिंदगी हो गई उनसे पूछ लो रात के 2:30 बजे भाईजान कमरा खोल के अंदर घुसे भाभी यूं पड़ी हुई है चुटिया उधर हाथ उधर पैर उधर मियां के बेलचे से बीवी समेट रहा बहन क्या हो गया तुम्हारे को सही बता रहा हूं शादी के 1 साल तक कमरे से अच्छी खुशबुएं आती है परफ्यूम की नए कपड़ों की फर्नीचर की 4 साल के बाद पैंपर की बोतलों की 16 साल के बाद आयोडेक्स की हाय मेरी कमर अल्लाह 80 साल के बाद काफूर अगरबत्ती डी है इधर वो जा रहा था मैं मेमन हूं और मेमन की ही मजाक कर रहा हूं ये कमाल है कि मेमन का नाम लो और तालियां बज जाती हैं ये मेमनों का बड़ा कमाल है और इतना बड़ा दिल होता है आप देखिए बड़ी सोच से सुनिएगा एक मेमन ट्रेन में सफर कर रहा था ट्रेन जा रही थी और मेमन को अचानक सर्दी लगी उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की बराबर में पंजाबी में बैठा था उसने कहा तो है मेमन दा पुत्र ऊ करता पिया वेक करके की रसीदा कमाल है मेमन खामोश हो गया दोपहर हुई फिर गर्मी लगी मेमन ने फिर खिड़की ऊंची करने की कोशिश की पंजाबी का होए छड्डे होए ए भाई वो करता पिया ए वे ऊपर चढ़ी गई खिड़की कहने लगा है लस्सी का कमाल है अब मेमनों का कमाल है कि जब तक ताने का जवाब नहीं देता वो चैन से नहीं बैठता मेमन गया वो सामने जंजीर थी जिससे ट्रेन रुकती उसके पास गया और खींचने की कोशिश की नहीं खींची पंजाबी ने हटो है है वही करता है उसने जाके खींची ब्र है लस्सी का कमाल है इतनी देर में पुलिस आई सबने कहा कि इसने लस्सी खींची है इसने जंजीर खींची इसको पकड़ लो पंजाबी को पकड़ के जाने लगे पंजाबी ने कहा गल सड़े ये चाय का कमाल है चाय का कमाल है मेरे हिस्से में कम तालियां है क्या
क्या बात है, वक्त कम है वरना बहुत बातें होती है। मेहमानों पे सुनते हैं आपसे, पढ़े लिखे लोग एक बात करने तो जी इजाजत है, क्योंकि मैं शेख साहब भी बैठे हैं, शायद आपके चैनल में कई मजा का नहीं, आप सर आपका खास मकाम है और आप तो कर रहे हैं। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, इसके बाद मैं जिसको बुलाऊंगा आप बड़े खुश हो जाएंगे, मेरे हिस्से में कैसा फनकार आएगा, आप दिल से कहेंगे कि वाह ये मेरे हिस्से में आया। एक ट्रेन जा रही थी कराची से हैदराबाद की तरफ, और बड़े गौर से सुनिएगा क्योंकि ये सब पढ़े लिखों का लतीफा है। ट्रेन चल रही थी, सारे पैसेंजर बैठे थे, मेमन सिंधी पंजाबी पठान। मेमन अपनी बीवी से कहने लगा, जड़ी तेरे लिए हाजी की चमड़ी लूंगा, हैदराबाद से तेरे दो दाते तू चप चप करके खाना। देखा क्या कहते हो सब सुन, अरे छोड़ ना। पंजाबी ने कहा, ओए मैं जाते ही लस्सी का ग्लास पिलवाऊंगा। पठान ने कहा, ओए मैं तो जाऊंगा और वहां से नसवार लूंगा। सब खुश है, ट्रेन चल रही। अचानक ट्रेन पटरी से उतर कर खेतों की तरफ चली गई और ट्रेन करने लगी। सारे पैसेंजर इधर से उधर हो गए, मेमन की बीवी के दो दांत थे दोनों टूट गए। टका 10 मिनट के बाद दोबारा ट्रेन पटरी पे आई और छिक 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 करके जाके स्टेशन पे रुकी। सारे पैसेंजर गुस्से में गए। मेमन ने कहा, ए मकरा जी तेरे को खुदा का खौफ है, ए जब तेरे को ट्रेन चलाना नहीं आती थी तो तूने ट्रेन काहे को चलाई, ए जा जोड़िया बाजार में खोता गाड़ी चला, ईड़े ईड़े। सब डांट रहे थे। मकरा ने कहा, अरे जिसको देखो गुस्सा करता है, जिसको देखो गुस्सा करता है, अरे तवज्जो से मेरी बात सुन लो, ट्रेन सही चला रहा था। सबने बोला, हाँ सही चला रहा था। तो अरे दूर हमने देखा पटरी पे एक आदमी खड़ा हुआ है, तो सबने कहा एक आदमी की वजह से हमको परेशान किया, अरे चढ़ा देता उसको मार देता। अरे वो ही तो कर रहा था, पता नहीं वो खेतों में किधर भाग गया। यहाँ मौजूद तमाम मोजिज खवातीन हज़रात को मेरा सलाम पहुंचे। मोजिज खवातीन हज़रात, यहाँ जितने भी चेहरे, जितने दरख्शां चेहरे मौजूद हैं, उन सबसे मैं यकीनन फर्दन फर्दन वाकिफ हूँ। इस मुल्क के मारूफ लोग यहाँ मौजूद हैं और इस मुल्क के मोजिज़ ख़वातीन हज़रात यहाँ मौजूद हैं और इस शहर के वो लोग भी मौजूद हैं कि जो इस शहर को बेहतर बनाने में हमेशा से कारगर साबित हुए हैं। अमजद राना अब पूरी एक तारीख बन गया है और ऐसी तारीख है कि जिस तारीख को अगर फ़न की तारीख से कभी जुदा किया जाए तो वो तारीख मुकम्मल नहीं होगी। अमजद राना ने बड़ी मेहनत की है और मैं अमजद राना को उस पहले दिन से जानता हूँ कि जिस दिन वो इस कराची शहर में आया था, और उस कराची शहर में आने के बाद इसने जो अनथक मेहनत की है, और इतनी मेहनत कि यकीन मानिए अगर पहाड़ होता तो शायद वो रेज़ा रेज़ा हो जाता, लेकिन ये अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम खड़ा रहा। और दूसरी एक अहम तरीन बात यह है कि अमजद राना ने कभी किसी के सामने हाथ फैलाकर ये नहीं कहा कि मेरी मदद कर दें। अमजद राना ने हमेशा अपने फ़न और अपनी मेहनत पर भरोसा किया है और हमारी सबकी ये दुआएं हैं कि अमजद राना आपको खुदा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, जहां कदम रखें कामयाबियाँ आपके कदम चूमें। और जो ये शकील शाह यहाँ मौजूद हैं, इनके बारे में मैं ये बताऊँ कि शकील शाह भी वो है कि जिसको एक वक्त था कि कोई नहीं जानता था, इस आदमी ने अपनी शनाख्त खुद कराई है। बगैर टेलीविजन की स्क्रीन के इस आदमी ने अपने आप को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया, इनके लिए भी बहुत सारी तालियां। और नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि शोहरत होती ही वो है कि जो अनथक मेहनत, जस्तजू और लगन के बाद मिले। और इसके बाद मैं आप तमाम दोस्तों को ये बता दूं कि अमजद राना के जितने भी मेहमान खास आए हुए हैं, मेहमान खसूसी आए हुए हैं, उन सबको हम यहाँ पर एक बार अपनी जानिब से भी खुश आमदीद कहते हैं। और नासिर हुसैन शाह भी नहीं पहुँचे, नासिर भी आ जाएँ तो उसके बाद इस तकरीब का एक और नया सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई जाते थे, वो आपका जो स्टाइल है देखते रहिएगा। ओके जब आपकी तालियों में। और मोजेस खवातीन हज़रात, मैं यहाँ मौजूद हूँ और जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ इंतजार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तालियां तैयार हो जाएगी, मेरी रिक्वेस्ट पे तशरीफ लाएंगे मिस्टर मोहम्मद अली शेखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शकील शाह साहब।
अमजद तनाया के साथ हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है, लॉन्ग जर्नी हम एक साथ ये सफ़र कर रहे हैं और बड़े बड़े वाक़यात जिसमें कॉमेडी भी शामिल है बहुत कुछ होता रहा है और बड़ी यादें वाबस्ता हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अमजद तनाया का कि उसने मुझे दावत दी यहाँ आऊँ ताकि आप लोगों के सामने आप लोगों को सलाम करूँ और थोड़ा सा छोटा सा जो फ़न मेरे पास है आपके सामने मैं पेश करूँ, उम्मीद आप लोग पसंद फरमाएंगे। ये एक नया सॉन्ग है, इसको अगर सुन लीजिएगा, नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने ओरिजिनली गाया है, उसको मैंने किया है। Oh,
तेरी आँखों में जो डूब गया जो मेरे लिए कमेंट्स जो जो दिए थे वो भी अभी चलाएंगे, ठीक है ना। और पाम विलेज के भी होंगे और टीआई मार्केटिंग ग्रुप के भी यहाँ पर चलेंगे। बाकायदा वीडियो वाइस के साथ चलाना है यहाँ पर, ठीक है ना, जो हमारी आवाम भी देंगे और रिकॉर्ड भी हो। तो अब क्योंकि अवार्ड्स का सिलसिला है, मोहम्मद अली शेखी भाई ले आई भाई अवार्ड ले आइए। तो हमारी जो शख्सियत यहाँ खड़ी है, आप उन आपके हाथों से उनको दिलाना है क्योंकि आप हैं मोस्ट वांटेड। हाँ, कहीं भी आप मिल सकते हो आप इन्हें जी। ये किसका है? मोहम्मद अली शेखी साहब को आपके हाथों से। जी, और मैं ताज भाई को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। एजाज ताज भाई प्लीज आइए। अली भाई का अवार्ड हो गया। और जी जी सलीम भाई मिलके मैं नहीं सर आइए जी। थैंक यू मैडम, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां।